अस्सलाम वालेकुम एवरीवन माय नेम इज अक्सर सईद वेलकम बैक टू माय माट्यूब चैनल आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि किसी भी पी या एफपीएससी वन पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज फर्स्ट वन इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के लिए है दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंगीला मार्कल हैज सर्वड एज दफ विच कंट्री एंगला मार्कल ने सर्व किया है एज अड ऑफ कौन सी कंट्री का जर्मनी आंसा इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री आंसा जो है ये न्यूज़ एजेंसी है कौन से मुल्क की ये इटली की न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है आंसा अनतारा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ अंतारा जो है वो न्यूज़ एजेंसी है इंडोनेशिया की एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू अर्न अ लिविंग इसकाट कोई भी वो चीज़ जो कि यूज़ की जाती है रहने के लिए यूज़ की जाती है टू अर्न अ लिविंग दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स यानी वो एक जरिया कहलाता है अरेबिक इज़ नॉट एन ऑफिशल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री अरबिक जो है वो सऊदी की भी आफिशियल लैंग्वेज है कोत की भी यमन की भी बट टर्की की जो है वो ऑफिशिय लैंग्वेज नहीं है एस सी डबल आई स्टैंड फॉर एस सी डबल आई जो है वो स्टैंड करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज एशिया माइनर इज़ अ जोग्राफिकल एक्सप्रेशन अ पार्ट टू एशिया माइनर जो है वो जोग्राफिकल एक्सप्रेशन है अ पार्ट टू टर्की एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज इस्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो स्टैब्लिश किया गया था नाइनटीन में टाइम ट्रेजडी वाज रूलिंग द इस्लामिक वर्ल्ड जो है उस टाइम पे यानी जब करबला का ट्रेजिडीकर हुई थी उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थीट वाज उमैय ए टी एम स्टैंड फॉर आटोमेटिक टेलर मशीन ऑटोमिक नंबर वॉज डिस्कवर्ड बाई ऑटोमिक नंबर को डिस्कवर किया था हेनरी मोस्ले ने ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया जो है वो लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टीनेंट बाबा फरीद शकरगंज वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ बाबा फरीद शकरगंज जो है वो पोएट थे फर्स्ट पंजाबी के बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ विच मिडल ईस्ट कंट्री बगदाद जो है वो कैपिटल है इराक का बाकू इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री बाकू जो है वो कैपिटल है अजरबैजान का बैंकॉक इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री बैंकॉक जो है वो कैपिटल है थाईलैंड का बरक ओबामा वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बरक ओबामा जो है वो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट थे यूएसए के फोर्टी फोर्थ बास्टल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बास्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है चौदह जुलाई को एंड बैटल ऑफ वाटरलू वन बाय बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो वन की थी नेपोलियन ने बीसीसी स्टैंड्स फॉर बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी बिकॉज़ पेनिसिलिन प्रिवेंट्स पेप्टिडोग्लाइकन सिंथिसिस इज़ इट इज़ मोर इफेक्टिव ऑन ये ज़्यादा इफेक्टिव है ऑन ग्राम पॉजिटिव बिफोर इंडिपेंडेंस डे ईस्ट टीमोर वॉज द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस डे से पहले यानी इंडिपेंडेंस से पहले ईस्ट ईस्टिमोर जो है वो पार्ट थे इंडोनेशिया के एंड द नेक्स्ट इज़ बेल्ट रोड इनिशिएटिव इज अ चाइनीज़ ग्रेंड स्ट्रेटेजी वॉज फर्स्ट लांच इन टू ड्यूरिंग द स्पीच ऑफ चाइनीज प्रेजिडेंट जी जिनपिंग बर्बर ट्राइब ट्राइबर रेजिडेंट्स ऑफ बर्बर ट्राइब जो है वो रेजिडेंट्स थे मीन्स नॉर्थ अफ्रीका बर्बर कॉम के लोग जिन्हें मुस्तकिल कहाँ के रिहाशी थे uh, वो रेजिडेंट्स थे नॉर्थ अफ्रीका के बिग बेन क्लॉक इज़ लोकेटेड इन विच सिटी बिग बेन क्लॉक जो है वो लोकेटेड है लंडन में बायोसेंसर यूज टू मैयर बायोसेंसर जो है वो यूज़ किया जाता है पैमाइश के लिए फॉर द ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती है क्रिप्टो करेंसी में ब्लू ओरिजन वाज फाउंडेड बाई ब्लू ओरिजन फाउंडेड बाई जेफ़ विजोस ब्लू पॉपी इज़ द नेशनल फ्लॉर ऑफ़ ब्लू पॉपी जो है वो नेशनल फ्लॉर है भूटान का एंड ब्रॉबर्डर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन दैट इज़ लोकेटेड इन इंडोनेशिया बरेली एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रेली फॉर ब्लाइंड्स ब्रिक्स कंट्रीज इंक्लूडेड ब्रिक्स में जो कंट्रीज इंक्लूड हैं दैट आर ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ब्रिक्स वॉज फॉर्मड इन टू थाउजेंड सिक्स बर्मा म्यामर गड इंडिपेंडेंस इन जनवरी फोर नाइनटीन फोर्टी एट एंड द नेक्स्ट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है एज शुगर इंडस्ट्री एंड कैलिडोनिया वास्ता रोमन एम्पायर नेम फॉर विच मॉडर्न डे कंट्री दैट इज़ स्कॉटलैंड कैपिटल ऑफ़ अल्बानिया दैट इज़ टायराना आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो में इतना ही मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में अल्लाफ़